दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 84 गुंबद के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के कालपी शहर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि ये गुंबद भूतों द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि रोज रात को यहाँ भूतों का दरबार लगता है और आज तक कोई भी इन 84 गुंबदों को नहीं गिन पाया है। या तो लोग इसे ज्यादा गिन लेते हैं या फिर कम, कोई भी इसे सही से नहीं गिन पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौरासी गुंबद एक दीवार वाले आंगन में एक चौकोर नौ गुंबद वाली संरचना है, जिसमें केंद्रीय गुंबद के नीचे दो कब्र हैं। इस गुंबद का निर्माण 15वीं सदी के अंत में हुआ था। यह इस्लामी वास्तुकला लोदी सुल्तान में से एक का मकबरा माना जाता है। इसमें 84 दरवाजे और मेहराब है। ब्लॉक का निर्माण पूरे भवन को शतरंज के रूप में स्क्वायर रिक्त स्थान में विभाजित किया गया है। खम्भे से जुड़े खम्भे की 8 पंक्तियां और फ्लैट छत से ऊपर की ओर है। इमारत में 60 फीट की ऊंचाई का गुंबद है। गुंबद की दीवार में जौनपुरी आदर्शों को देखा जा सकता है। यह पुरानी कालपी के पश्चिम में NH-25 के साथ स्थित है। यह स्मारक मध्ययुगीन काल से शाही मकबरा है। प्राचीन काल में कालपी को कालप्रिय नगरी के नाम से जाना जाता था। समय बीतने के साथ शहर का नाम कालपी को संक्षिप्त किया गया था। कालप्रिय नगरी प्राचीन भारतीय शहर है। इसमें फुटबॉल मैदान के आकार का एक सूर्य मंदिर था, यहाँ तक कि उससे भी बड़ा। यह मंदिर 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। कालपी शहर को राजा वासुदेव ने बसाया था। कहा जाता है कि यह शहर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन मुख्य हिंदू देवताओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।